मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान में हूँ का मेज़बान साजा गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम करवा साथ साजा गौरी के साथ। नाज़रीन, आज बात करेंगे हम सूद की, जो कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग जो हैं सूद पर पैसा लेते हैं। ये एक वाक़या हुआ भावलपुर क्रिश्चियन कॉलोनी भटा नंबर 2 में। एक विलियम मसीह को सूद वालों ने बड़ी बेदर्दी से मारा और उस वीडियो को वायरल किया गया है फेसबुक के ऊपर। उसका कसूर क्या था कि उसने सूद वालों से पैसे लिए 60,000 रुपया, जिसके बदले में उन्होंने उसको विलियम ने 1,20,000 रुपया देना था, यानी कि 100% वापसी। उसकी इंस्टॉलमेंट बताई गई 10,000 रुपया। उसने 2 माह में 10,000 रुपया इंस्टॉलमेंट दी और उसके बाद उसकी इंस्टॉलमेंट कर दी गई 8,000 रुपया। उसका कोई घर में बीवी का ऑपरेशन था, उसने 5,000 रुपया देने की कोशिश की तो उस पर उसको बिठाया गया दफ्तर के अंदर और थप्पड़ और गालियाँ और सब कुछ वो किया गया, जो कि एक शर्मनाक बात है। ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं, क्यों ऐसे वाक़यात जन्म लेते हैं, वजह क्या होती है, क्यों हमारे लोग मजबूर होकर सूद पर पैसा उठाते हैं और उसके बाद उनको इस तरह ही रुसवा किया जाता है। और इस स्टोरी से जो फेसबुक पर चलने के बाद भावलपुर DPO ने एक्शन ले लिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। बंदे पकड़ने के लिए उन्होंने छापे मारने शुरू कर दिए हैं। पहले ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। जी, मेरा नाम विलियम है, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी पट्ठा नंबर 2 ते रहना, ते मेरे वाला साहब का नाम यूनस मसीह है। मैं सर जी, मेरी शादी थी, मैं पहले महीने सामा चन्ना साहब को 60,000 रुपये पैसे लिए सन, उसकी बिना ते इन्होंने मेरे को 1,20,000 रुपये लाया सी, जिदी किश्त मैंने इन्होंने पहले 10,000 रुपये लाई सी, फिर 2-3 किश्तां भरिया ने तो इन्होंने 8,000 कर दिती। फिर हूँ से सची आया तो मेरे को पिछले जो पैसे घट सन, पिछले महीने 5,000 रुपये से मेरी बेगम का ऑपरेशन सी, तो इन्होंने मैं 5,000 रुपये इन्होंने तरले कर करके देना हाँ। 2 बंदे आए, इन्होंने मैनू पहले एक ने कमल ने मारिया, फिर शरून ने रमिश ने मारिया, फिर शरून ने मारिया, गाला मंडे कड़े, फिर थाने के सामने ला के कहने ने 30,000 रुपये भर के तेरे ते चरस का केस पवाने, तेनों टुकवाने, तेनों 6 रुपये तो तेनों पता लगेगा। मेरे साथ इसी स्टोरी को जिन्होंने ब्रेक किया आशीष जॉन साहब, जो कि क्रॉस कनेक्शन के एडिटर भी हैं, उन्होंने स्टोरी को ब्रेक किया। और मैंने जब इनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जी हमने ये स्टोरी को जब ब्रेक किया है तो खुदा के फजल से एक्शन भी हो गया और पर्चा भी हो गया और बंदे गिरफ्तारी की तरफ पुलिस जो है कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। तो ये क्या मामलात हैं, हम आशीष जॉन साहब से पूछेंगे। जी आशीष भाई, बताइएगा कि ये मामलात कैसे आपके पास पहुंची, रिपोर्ट किस तरह आपने इसको स्टोरी को ब्रेक किया, बताइएगा जरा। हाँ जी, शुक्रिया सुल्तान साहब। अच्छा जी, इसमें पहले थोड़ी सी एक तस्दीक कर लें, मेरे ख्याल में ये विलियम मसीह जो है ये वहां पे भट्टा कॉलोनी में रहते हैं, ये सैनिटरी वर्कर है। अच्छा अच्छा अच्छा। और हाँ जी, ही इज अ सैनिटरी वर्कर, ठीक है। और हमारे साथ ये जो थी वीडियोस ये शेयर की थी, वहां पे एक ह्यूमन राइट्स लॉयर है लाजर अल्लाह रखा साहब, उनके साथ हमारा काफी रहता है कोऑर्डिनेशन, और वो इस तरह के जो मामला आता है, क्योंकि सेंस हमारा फोकस ही ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर होता है, ठीक है। उन्होंने हमारे साथ ये वीडियोस जो थी वो शेयर की थी, ठीक है। और इसके अंदर जो बात है, अगर हम देखें तो ये जो थे विलियम, इन्होंने लिया था सूद पे पैसे, ठीक है, अपनी बेटी की शादी के लिए, ठीक है। 60,000 ने लिया था, जिसके ऊपर 1,20,000 वापस करना था, ठीक है। और बाकी की चीजें आपने बता दी हैं कि किस तरह से उनकी इंस्टॉलमेंट जो थी वो उनके पास उतने, वो 3,000 कम थे पैसे, क्योंकि उनकी वाइफ जो थी वो बीमार थी और
और उसके ऊपर फिर उनकी जो है वो तजलील की गई, उनको मारा गया। ठीक है, अफसोस की बात है ना सिर्फ विलियम मसीह के केस में, लेकिन अगर हम बाकी भी इस तरह के मामलात में देखें कि जहां पे भी जबर होता है, अब ये ट्रेंड बन गया है कि उस जबर को वीडियो पे ले आते हैं जो करने वाले लोग हैं। उसका एक तो ये होता है कि दूसरे लोगों के ऊपर जो है खौफ और हरास जो है वो फैलाया जा सके। ठीक है, कि अगर वो उनके पैसे वापस नहीं करेंगे तो उनके साथ ऐसी ही जो है बर्बरियत दिखाई जाएगी। ठीक है, और दूसरा उसमें एक अपना जो है इलाके के अंदर रोब और दबदबा और बढ़ाने की ये एक उसमें कोशिश होती है। अच्छा, मैं ये बात बताना चाहूंगा नाज़रीन को कि ये जो सेंट्री वर्कर है हमारा विलियम, ये तो भट्टे के ऊपर काम नहीं करता, लेकिन ज्यादा तादाद जो है भट्टा मजदूरों को भी वहां से कर्जा मिला जाता है जिसकी वो किस्त जो है इस तरह अदा करते हैं। तो इसने भट्टे के ऊपर कैसे ले लिया पैसा कि ये वहीं पर काम करता है सफाई का? नहीं जी, भट्टा नहीं है ये, एक वहां का मुकामी जो है सूद पे देने वाले जो पैसे होते हैं। अच्छा, ये वो लोग हैं। तो ये भट्टा नंबर दो, ये जो बता रहा भट्टा नंबर दो, ये इलाका है उसका, ये कॉलोनी का नाम है। अच्छा, ये कॉलोनी का नाम है, भट्टा नहीं है वहां पर? हाँ, नहीं भट्टा नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया। यानी कि ये सूद देने वाले लोग जो हैं इन्होंने तशद्दुद किया? हाँ जी, भट्टा वालों ने नहीं किया। नहीं, ये फिनोमेना जो है ना भट्टे पे तो होता ही है ना कि वो तो एक बॉन्डेड लेबर होती है कि जिसके अंदर वो पैसे ले लेते हैं मजदूर वहां पे, और फिर बाकी की उम्र उनकी वो पैसे उतारते उतारते और उनकी गुलामी करते गुजर जाती है। ठीक है, इस केस के अंदर ये सूद पे पैसे लिए गए थे। ठीक है, हाँ जी, तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्या हुई है? इस पे जी कानूनी कार्रवाई ये हुई है कि उसके उनके ऊपर तशद्दुद का पर्चा हुआ है, मनी लैंडिंग का, सूद पे पैसे देने का पर्चा हुआ है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो वैसे ही कानून में मुमामलत है कि आप सूद पे पैसे नहीं दे सकते। ठीक है, सो वो सारी जो है शिकायतें डाली गई है FIR में। जब हमने कल ये वीडियो चलाई और वीडियो वायरल हुई तो ये बहावलपुर के DPO साहब से भी फिर रब्ता किया गया। उन्होंने उस वीडियो के ऊपर फौरी एक्शन लेते हुए उन्होंने कहा कि जी मुदई को लेके आए थाने में, और फिर वकील साहब जो थे वो लेके गए और उसी वक्त उन्होंने पर्चा जो है देखे और रेड्स जो है हमारी प्लाक के मुताबिक अब की जा रही है इनको पकड़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें ये बाबर कह रहा था कि जी आप बार बार अपनी बीवी को लेके आते हैं, वो बंदा जो मार रहा था उसको, तो दोबारा आप लेके आएगा हॉकियों से तुम्हें मारेंगे, तो ये इस तरह के बयानात देना ये क्या कौम को डराने वाली बात है कि मसीह कौम के लोग जो अगर सूद पे पैसे लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो पैसे ना लें, वरना ये ऐसे लोग जो हैं इनको तशद्दुद करेंगे, इसके साथ बुरा सलूक भी करेंगे। इसमें साजिद भाई वैसे इसमें कई सारी डिफरेंट डायमेंशंस हैं अगर देखें। पहली बात तो ये है कि हमारे जो गरीब लोग हैं, और ये फिनोमेना सिर्फ किसी एक शहर का या किसी एक जिले का नहीं है, ये फिनोमेना पूरे पाकिस्तान में है। ठीक है, और अक्सर ये होता है कि जिस तरह हमारे जो है क्रिश्चियंस भी जिनकी उस तरह से नहीं है वसाइल, सेंट्री वर्कर्स हैं या कोई और काम करते हैं, तो एक कल्चरल प्रेशर जो होता है, एक फैमिली का प्रेशर होता है कि वो अपने वसाइल से बढ़ के भी अपने खर्चे कर बैठते हैं, जिस तरह शादी ब्याह के मौकों पे, वफात के ऊपर, ये जो रस्में कुछ बनी हुई है, सो अपनी सिर्फ इज्जत की खातिर वो क्या करते हैं कि उनको उतने वसाइल तो होते नहीं है, वो फिर सूद पे कर्जा ले लेते हैं, फिर उनके पास वापस करने की सकत नहीं होती है। ठीक है, और जब ऐसी चीज होती है फिर जब जिन्होंने पैसे दिए होते हैं वो फिर उनके साथ दस्तंदाजी करते हैं, मारपीट करते हैं, और ये सिलसिला जो है ये बड़ा कॉमन है। अगर आप देखें तो ये ईसा नगरी है कराची के अंदर, वहां पे पठान जो है बहुत ज्यादा वहां पे इस तरह से काम कर रहे हैं, हमारे नोटिस में आए हैं। हाँ जी, वो सूद पे पैसे देते हैं और बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं लोगों के ऊपर वहां पे जब वो पैसे नहीं दे सकते। अब एक बंदे की तनख्वाह ही अगर 20-25 हजार है और वो सूद इतना ज्यादा ले ले तो क्या कैसे वो अपने घर का खर्चा चलाएगा और कैसे वो अपने सूद की रकम जो है वो वापस करेगा? ओरिजिनल तो बात की बात है, वो सूद की रकम देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते हैं। सो दिस इज समथिंग जो कि मेरे ख्याल में हमारे लिए एक बड़ा एक सोशल इशू है जिसके ऊपर और हुकूमत को भी इसके अंदर इंटरवीन करने की जरूरत है। तो ये तब तक मसाइल हल नहीं होंगे और ऐसे लोग जो है वो तो फायदा उठाते रहेंगे, वो अपना जुल्म भी जारी रखेंगे और अपना खौफ जो है उनका वो इस तरह फैलता रहेगा। अच्छा, कानून की अगर बात करते हैं तो क्या इनको इजाजत होती है कि वो इसी तरह ही सरेआम कर्जा सूद पर देते हैं और उसके बाद रले से उसके पैसे भी एक्स्ट्रा ले रहे होते हैं? कानून में ये मौजूद है जी, प्राइवेट, हाँ जी, उसमें ये शिक दली भी अगर आप देखें तो ये प्राइवेट मनी लैंडिंग जो है इट्स
एन इलीगल बिजनेस, ठीक है, वो कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता ठीक प्राइवेट मनी लैंडिंग का काम। अगर आप देखें वैसे भी तो ये करते क्या है कि नॉर्मली लोगों से जब पैसे उनको देते हैं तो वो उनसे स्टाम्प लिखवा लेते हैं, ठीक है, और वो स्टाम्प जो है वो होता है कि किसी कर्जे की मद में हम दे रहे हैं, बिजनेस की मद में दे रहे हैं। वो कभी भी ये नहीं कहते कि जी हम इसके उसके ऊपर हम सूद की वजह से वो दे रहे हैं। तो उसके अंदर वो लीगल लकूनाज अपने वो बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्राइवेट मनी लैंडिंग इज अ क्राइम, ठीक है, यानी कि इसके अंदर तो देखें 100 उस बंदे ने 100% देना था, जबकि बैंक्स हो गए या बाकी जो अदारे होते हैं जो वो 20% है 30% है, हाँ जी उनकी रेशो कुछ और होती है, इसके अंदर तो 100% इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे क्राइम है, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी को इसका मतलब है कि संभल के रहना चाहिए, या इस तरह के मामला जब कर्जा कोई लेते हैं तो देखभाल के लेना चाहिए। मेरे ख्याल में जी ज्यादा जरूरी जो चीज है वो ये है कि लोगों को अब बात है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए, ठीक है, प्रेशर में आने की बजाय। अगर हम मैं अफोर्ड नहीं करता कि मैं कोई ऐसे फंक्शन कर सकूं या मैं कोई ऐसी उसमें चीजें कर सकूं, तो मुझे अपनी चादर के अंदर ही पांव रखने चाहिए, अपने फैलाने नहीं चाहिए उससे बाहर, ठीक है, ताकि मैं इस तरह के लोगों के हाथों में ना आऊं और ना इस जुल्म का शिकार बनूं। तो कुछ एहतियात जो है वो हमें खुद करने की जरूरत है। तो हमारी मसीह को हमको किसी तौर से भी, हाँ जी, हमारी मसीह को हमको पैगाम देना चाहिए इस मामले के हवाले से। मेरा जी यही मैसेज होगा कि हमें जो है अपनी चादर को देख के पांव फैलाने चाहिए, और बहरहाल किसी भी तौर से जो ये जुल्म हुआ है इस वीडियो में भी हम देख रहे हैं, उसको किसी तौर से भी कोई भी कंडोन नहीं कर सकता, उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। इवन अगर उस बेचारे गरीब से अगर ये हुआ था तो महज 3,000 की खातर उसकी इस तरह से तस्दील करना किसी तौर से भी मुनासिब बात नहीं थी। और हमारे लोगों को यही चाहिए जी कि अपने फोकस करें अपनी, जाहिर बात है मुल्क के हालात ऐसे हैं, मौशी हालात ऐसे हैं, बहुत मुश्किल है गुजारा करना, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जो आपके पास वसाइल है उसी के अंदर आप अपना जो है खर्चा घर का वो चलाएं और किसी से उधार पैसे ना लें। बहुत शुक्रिया आशिर भैया आपका, बहुत शुक्रिया आशिष जॉन आपका, जो कि क्रॉस कनेक्शन के एडिटर भी हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जो हैं अपने अपने पेपर्स और वेबसाइट्स बनाकर अपने मसीह कौम का पैगाम और उनके ऊपर तशद्द जो होता है उसको पूरी दुनिया तक लेके जाते हैं ताकि किसी न किसी तरीके से उनको इंसाफ मिल सके। तो मेरा ख्याल है जिस तरह आशिष जॉन साहब ये काम कर रहे हैं, तो हमारे हर मसीह बंदे को जो कि किसी न किसी तरीके से मीडिया के अंदर इन है तो अपने फ़र्ज़ को सर अंजाम दे रहा है। तो मेरा ख्याल है जिस तरह ही हमारे मसीह कौम के ऊपर जो तशद्दुद होता है, जिस तरह के वाक़यात होते हैं, अगर हम मिलकर उनके रिपोर्ट्स करें और उनके जो ख़बरें हैं हुकूमत बड़ा तक पहुँचाएँ, तो मेरा ख्याल है जल्दी इंसाफ़ मिलेगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, मुझे वो कैमरामैन तारिक पैरा को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।